हेलो फ्रेंड्स, अभी हम स्टडी करते नॉन कोपलेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इसमें जनरली थ्री टाइप्स हैं। पहला है नॉन कोपलेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, सेकंड वन इज नॉन कोपलेनर पैरेलल, थर्ड वन इज नॉन कोपलेनर नॉन पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। धीरे धीरे हम एक एक केस को लेंगे। पहला लेते हैं हम नॉन कोपलेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। जैसा कि नाम शो करता है, वो एक प्लेन में भी नहीं है एंड दे डू नॉट मीट एट ए सिंगल पॉइंट। जैसे कि फोर्स एफ वन है, एफ वन इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एफ टू जो है वह जेड डायरेक्शन में, एफ थ्री वो एक्स वो इस पॉइंट से आ रहा है। तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं लेकिन प्लेन में नहीं है, एक ही प्लेन में नहीं है, वो तीनों अलग अलग प्लेन में है। सेकेंड आता है आपका नॉन कोप्लेनर पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। वो एक ही प्लेन में नहीं रहेंगे लेकिन फोर्सेज आर पैरेलल। जैसा कि शो आप देख रहे हैं इसमें स्केच में, ऊपर वाले प्लेन में एफ टू फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तीसरा वाला जो एक्स वाई प्लेन है इसमें एफ वन एक्ट कर रहा है एंड थर्ड वन इज एफ टू, ये भी पैरेलल एक्ट कर रहा है लेकिन ये अलग अलग प्लेन में है। थर्ड वन इज जो लास्ट है इसमें नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इसमें एक प्लेन में भी एक्ट नहीं करेंगे, दे आर नॉट पैरेलल टू इच अदर एंड दे आर नॉट मीटिंग एट ए पॉइंट। जैसा कि आप देख रहे हैं स्केच में, एफ थ्री का डायरेक्शन कुछ अलग है, एफ वन एक्स वाई जेड प्लेन में अलग एक्ट कर रहा है, एफ टू भी अलग एक्ट कर रहा है, एक तो वो मीट नहीं कर रहे हैं, एक पैरेलल भी नहीं है एंड दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। थैंक यू फ्रेंड्स।